नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो है हम सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसका नाम है NCF 2005। NCF 2005 पढ़ लेने से आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो पेडागोजी के आते हैं उसके बारे में समझ सकेंगे, तथा पेडागोजी का अधिकतर क्वेश्चन जो है NCF 2005 से ही संबंधित होते हैं। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि जो पाठ्यक्रम होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो जो पाठ्यक्रम है आपका दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक शब्द है पाठ्य और दूसरा शब्द है क्रम। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री, ठीक। पाठ का अर्थ क्या होता है? तो पाठ का जो अर्थ है वो होता है पढ़ने योग्य सामग्री, तथा क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। तो पाठ्यक्रम का अर्थ क्या हो गया कि एक पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही क्या है, पाठ्यक्रम है, ठीक। और जो पाठ्यक्रम है अंग्रेजी भाषा एक करिकुलम शब्द से बना हुआ है। करिकुलम शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, अर्थात पाठ्यक्रम में कैसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़ कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्त करते हैं। ये देखिए, ये एक दौड़ का मैदान है, ये विद्यार्थियों का क्या है यहाँ पर लक्ष्य बनाया गया, तो इसी मैदान पर विद्यार्थी जो है दौड़ते हैं तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बस इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम सब पाठ्यक्रम कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेशनल NCF को। NCF का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा भी कहते हैं। तो जो इसकी शुरुआत थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी, उनके द्वारा एक समिति बनाई गई थी। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। इन्होंने ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है तैयार की थी। अर्थात एनसीएफ को बनाने का कार्य किसने किया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाई एक समिति ने एनसीएफ को बनाया था, जिस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। जो एनसीएफ 2005 था, इसको संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया था। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं आती हैं, ठीक। तो एनसीएफ कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया था? तो एनसीएफ को जो है 22 भाषाओं में जो है अनुवादित किया गया था। इसके अलावा जो एनसीएफ है इसको एनसीईआरटी ने प्रकाशित किया था 2005 में, और प्रकाशित किया था, और यह जो है राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है। इससे पहले 1975, 1988 और 2000 में भी एनसीएफ आ चुके हैं। सबसे पहला एनसीएफ कब आया था? तो 1975 में। दूसरा नंबर आया था 1988 में। तीसरा एनसीएफ आया 2000 में, और चौथा एनसीएफ आया 2005 में। तो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण एनसीएफ है वो 2005 है, क्योंकि वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था जो है, जो भी पाठ्यक्रम वर्तमान में चल रहा है वो एनसीएफ 2005 के ही अकॉर्डिंग आया हुआ है। चलिए देखते हैं कि एनसीएफ 2005 में क्या मार्गदर्शन के लिए किन सिद्धांतों का वर्णन किया गया था, ठीक। तो एनसीएफ 2005 ने सबसे पहली चीज बताई थी कि विद्यालय के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। आप इन सब बिंदुओं पर ध्यान देते रहिएगा, जो पेडागोजी जो आती है हर सेक्शन में, उसमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत काम करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस उसमें अक्सर पूछे जाते हैं सीटेट परीक्षा में, जो आपको इन सब बिंदुओं से काफ़ी सहायता प्रदान होगी। तो उन्होंने बताया सबसे पहला पॉइंट कि विद्यालय को ज्ञान को जो है बाहरी जीवन से जोड़ना, अर्थात जो बच्चा पढ़ रहा है उसे सिर्फ किताबों तक ही समेट कर ना रखना, उसे किताबों से बाहर भी ले जाना। दूसरा बिंदु था शिक्षा को रटन प्रणाली से समाप्त किया है। शिक्षा से जो जो बच्चा रट कर कक्षा पास होने के लिए पढ़ता था, इस प्रणाली को क्या करना? समाप्त करना। तीसरा बिंदु था कि पाठ्यचर्या को केवल किताबों तक सीमित ना रखना, अर्थात जो पाठ्यचर्या को किताब से बाहर निकाल कर उसे बाहरी दुनिया तक भी दिखाना, बच्चों को किताबी कीड़ा ना बनाना। उसके बाद कक्षा कक्ष की गति को गतिविधियों से जोड़ना तथा उसे लचीला बनाना। और पांचवा नंबर, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति निष्ठावान विद्यार्थी तैयार करना एवं पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को शामिल करना। जो आज का स्टूडेंट है वो कल का भारत का नागरिक बनेगा। तो ऐसे मूल्यों को स्थापना करना जिससे
जिससे विद्यार्थी जो है अपने राष्ट्र के प्रति क्या हो, निष्ठावान हो, तथा पाठ्यक्रम में जब राष्ट्रीय महत्व के बिंदु शामिल होंगे तो एज अ नागरिक उन सारी चीज़ों को समझेगा जो उसने पढ़ा था। उसके बाद NCF ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जो सुझाव नीचे दिया गया। सबसे पहले सुझाव जो था NCF ने हमारे टीचर्स के लिए दिया था। NCF ने बताया शिक्षकों के लिए कि जो विद्यार्थियों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो टीचर्स जो हैं विद्यार्थियों को जो पढ़ाएंगे वो अपने जो पढ़ाते हैं उसमें शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। कौन से शिक्षण सूत्र? जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, इन सारे शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करने की बात जो है NCF में की गई थी। इसके अलावा NCF ने कहा किसी भी प्रकार को की सूचना को ज्ञान ना माना जाए, ठीक उन्हीं सारी चीज़ों को ज्ञान माना जाए जो बच्चों को उनके भविष्य में काम आए। तीसरा चीज़ उन्होंने बताया कि विशाल पाठ्यक्रम या बड़ी बड़ी पुस्तकें शिक्षा प्रणाली की सफलता का प्रतीक है। अर्थात NCF ने ये सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम जो बहुत ज़्यादा विशाल नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम जो है थोड़ा छोटा ही होना चाहिए, तथा पुस्तकें भी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद NCF ने बताया जो मूल्य होता है, जो बच्चों को नैतिक बातें सिखानी रहती है, जो बच्चों को हमें नैतिक गुण सिखाना रहता है, उन्हें सिर्फ बताया ना जाए बल्कि उस प्रकार का वातावरण बनाकर उनके जीवन में उन मूल्यों को स्थापित किया जाए। यदि हम बच्चों को ईमानदारी के बारे में कुछ बताते हैं तो हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए ताकि बच्चे जो है उस ईमानदारी को अपने जीवन में स्थापित करें, ना कि सिवा कक्षा में उस कहानी को सुनकर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी याद करके फिर कक्षा से बाहर निकलते के साथ ही इस चीज़ को भूल जाएं। ये NCF ने सुझाव दिया था। इसके बाद बच्चों को स्कूल में तनाव मुक्त वातावरण दिया है। बच्चे सर्वाधिक तनाव में कब होते हैं? तो बच्चे सर्वाधिक तनाव में होते हैं उनके एग्जाम्स के टाइम पर, ठीक। तो ऐसा वातावरण बनाने की बात की गई NCF में जिसमें बच्चे जो हैं ज़्यादा तनाव में ना रहें। उसके बाद सहशैक्षिक के गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। सही बात है, क्योंकि बच्चा जो है सिर्फ कुछ ही देर, क्या 6 घंटे या 8 घंटे जो है अपने स्कूल में रहता है और बाकी टाइम कहाँ रहता है? बाकी टाइम तो अपने घर पर अभिभावकों के साथ ही रहता है। तो अभिभावकों को भी सहशैक्षिक गतिविधियों में जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद जो पुनर्बदन होते हैं, जैसे सजा, निगेटिव पुनर्बदन, पुरस्कार, पॉजिटिव पुनर्बदन, इन सबको जो भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई भी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसे तुरंत शाबाशी दी जाए, कोई सा भी बुरा काम कर रहा है तो उसे तुरंत सजा दे दी जाए। इससे जो है बच्चे में पुनर्बदन के प्रति जो है मोटिवेशन की कमी हो जाएगी। इसके अलावा NCF ने बताया कि वही पुस्तक ज़्यादा उपयोगी होती है जो बच्चों को अंतःक्रिया करने का मौका देती है। इसके अलावा NCF ने निम्न बिंदुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया था। NCF ने सीखने को आनंददायक अनुभव बताया और इसे उसी प्रकार आनंद देने के लिए NCF ने कहा कि बच्चों को जो है बिना बोझ के सीखना चाहिए, ठीक। दो चीज़, एक सीखने को एक आनंददायक अनुभव बनाने के लिए बोझ के बिना सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई, और परीक्षा के लिए बच्चों को तनाव से दूर करने के लिए पाठ्य पुस्तकों से दूर जाना, इसने पाठ्यक्रम के डिजाइन में बड़े बदलाव की सिफारिश की थी, ठीक। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण ये आप ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, बोझ के बिना सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, NCF का मेन पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद जो व्यक्ति में आत्मनिर्भरता और सम्मान की भावना विकसित करने के लिए, सामाजिक संबंधों के आधार के लिए होगा और समाज में हिंसा और एकता की भावना विकसित करेगा। अब यहाँ पर बात ये हुई, NCF ने कहा कि जो भी पाठ्यक्रम होगा वो कैसा होगा? ऐसा पाठ्यक्रम होगा जो व्यक्ति में आत्मनिर्भरता विकसित करे, सम्मान की भावना विकसित करे, समाज में अहिंसा और एकता की भावना विकसित करे। ये 4 बिंदु जो है NCF ने बताया। उसके बाद NCF ने कहा कि 14 वर्ष की आयु तक कि बच्चे को केंद्रीय दृष्टिकोण विकसित करना, अर्थात उसे भविष्य में कहा क्या करना है वैसा दृष्टिकोण उसके अंदर डालना, तथा सार्वभौमिक नामांकन और अवधारणा को बढ़ावा देना। सार्वभौमिक नामांकन का अर्थ होता है कि स्कूल में जो है बच्चे का नाम लिखवाना, तथा उसकी शिक्षा पूरी होने तक उसे जो है स्कूल में ही
रखे हैं ताकि वो वहाँ अपनी शिक्षा जो है पूरी कर सके। इसके बाद छात्रों में एकता, फर्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र, दूसरी पॉइंट की भावना पैदा करना तथा राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने और नई पीढ़ी के मूल्यांकन के लिए सक्षम करना। इन्होंने बताया कि जो हमारी पाठ्यक्रम की कैसा स्वरूप होना चाहिए, तो ऐसा स्वरूप होना चाहिए जिसमें छात्रों में एकता की भावना उत्पन्न हो, लोकतंत्र की भावना उत्पन्न हो तथा पाठ्यक्रम हमारी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करे। जो पाठ्यक्रम होने चाहिए वो राष्ट्रीय एकता को चिन्हित करे तथा जो आने वाली पीढ़ी होगी उसकी पुनर्मूल्यांकन के लिए क्या हो, सक्षम हो, ऐसी पाठ्यक्रम की बात की। पर जेपी नायक ने एक त्रिकोण बताया जिसमें समानता, मात्रा और गुणवत्ता को अनन्य त्रिकोण के रूप में वर्णित, भारतीय शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और मात्रा को त्रिकोण के रूप में वर्णित किसने किया था, तो वर्णित किया था जेपी नायक ने। इसके अलावा एनसीएफ ने सामाजिक संदर्भ के संबंध में एशियन 2005, मतलब कुल मिलाकर एनसीएफ ने भेदभाव जो होता था उसे समाप्त करने की बात की। भेदभाव मतलब कि जाति, पंथ, धर्म और लिंग के बावजूद सभी को एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान किया गया। मानक पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि जो सभी धर्म के, सभी लिंग के, सभी जाति के, सभी पंथ के लोगों को एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम दिया जाए। उसके बाद एनसीएफ जो है सीखना और ज्ञान के बारे में बताता है कि सीखना एक सुखद कार्य होना चाहिए जहाँ बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि वे मूल्यवान हैं, उनकी आवाज़ सुनी जाती है। पाठ्यक्रम संरचना और स्कूल को छात्रों को सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करने के लिए, स्कूल को एक संतोषजनक स्थान बनाने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तो एनसीएफ ने सीखना के बारे में क्या बताया कि जो सीखना एक क्या है, एक सुखद कार्य है। सीखना क्या है, एक सुखद कार्य है, मतलब जो बच्चे को अपने खुश होना, बच्चे को लगना चाहिए कि वो क्या है, मूल्यवान है। इसमें हमेशा पॉजिटिविटी की भावना जो है विकसित हो, मूल्यवान है, टीचर्स को उसकी आवाज़ सुननी चाहिए, सब बच्चों को महसूस। जैसे कि अगर कोई बच्चा अध्यापक से कोई सवाल पूछता है तो उसे उसकी जवाब देना चाहिए ताकि उसे लगे कि हाँ, जो स्कूल में टीचर्स के सामने मेरी भी कुछ वैल्यू है। ये सीखना और ज्ञान के बारे में एनसीएफ ने महत्वपूर्ण बात कही थी। उसके बाद एनसीएफ ने महत्वपूर्ण प्रणालीगत सुधारों की बात भी की थी, क्योंकि जो सिस्टम, एनसीएफ ने जो है सिस्टम में सुधार की भी बात की थी। इन्होंने कहा कि एक ऐसा पाठ्यक्रम लाया जाए जो शिक्षार्थी केंद्रित हो, जो वो बालक के ऊपर केंद्रित हो तथा क्या हो, लचीला हो, शिक्षार्थी को स्वायत्तता प्रदान करता है, शिक्षक एक सूत्रधार की भूमिका निभाता है, सीखने का समर्थन करता है और प्रोत्साहित करता है, इसमें शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। बहुविषयक पाठ्यक्रम विकसित करना, शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, शैक्षिक प्रणाली में कई बार भिन्न प्रदर्शन, बहुपक्षीय निरंतर मूल्यांकन के बारे में बताता है। व्यक्ति समझिएगा, इस प्रणालीगत सुधार में जितने भी बिंदु हैं सब एक एक क्वेश्चन के बराबर हैं। पेडागोजी में ऐसी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो फर्स्ट पॉइंट हो गया शिक्षार्थी केंद्रित, और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, शिक्षार्थी को स्वायत्तता प्रदान होनी चाहिए, शिक्षक की भूमिका क्या हो, एक सूत्रधार की भूमिका हो, वो कि शिक्षक का काम क्या हो, वो सीखने का समर्थन करे तथा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करे। ठीक, इसके बाद विद्यार्थियों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो बहुविषयक होना चाहिए तथा पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाला। और इसके बाद भी शैक्षिक प्रणाली में अन्य प्रभाव, तो आप देख सकते हैं कि 7 से 8 पॉइंट इसमें जो है सब पेडागोजिकल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद एनसीएफ ने भाषा के बारे में बताया। एनसीएफ ने जो है त्रिभाषीय सूत्र के बारे में बताया कि जो विद्यार्थियों को जो है 3 भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। पहली भाषा थी जो संचार माध्यम, वो घरेलू भाषा होती है, जो बच्चा घर पे बोलता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि जो फर्स्ट लैंग्वेज जो पढ़ी जाती हो वो मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। ठीक, जो पढ़ने पढ़ी जाने वाली पहली भाषा कौन सी होनी चाहिए, वो या तो मातृभाषा हो या तो क्षेत्रीय भाषा हो। ठीक, उसके बाद दूसरी भाषा जो राज्य, जिन राज्यों में हिंदी बोली जाती है उन राज्यों में दूसरी भाषा या तो अंग्रेजी हो या तो कोई और आधुनिक भाषा, और जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है उसमें सेकेंड लैंग्वेज या तो हिंदी हो या तो अंग्रेजी हो। ठीक, इसके अलावा तीसरी भाषा जो राज्य, एनसीए बताता है कि जो हिंदी भाषी राज्य है उसमें तीसरी भाषा या तो अंग्रेजी हो या कोई आधुनिक भाषा हो।
आधुनिक भारतीय भाषा हो जो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अध्ययन नहीं की जा रही हो, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा या तो अंग्रेजी हो या एक आधुनिक भाषा हो, फिर वही बात जो कि इसका अध्ययन जो है दूसरी भाषा के रूप में नहीं किया जा रहा है। एक उदाहरण के रूप में हम समझिए अगर, तो NCF कहता है एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हम जो है उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो भाषा है, उत्तर प्रदेश कैसा राज्य है, एक हिंदी हिंदी भाषी राज्य है, ठीक, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य। तो जो सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज की हम बात करते हैं, तो सेकेंड लैंग्वेज होगी या तो फिर कोई इंग्लिश हो जाएगी या कोई और मॉडर्न भारतीय भाषा हो जाएगी, मॉडर्न लैंग्वेज होनी चाहिए। और थर्ड लैंग्वेज भी क्या, या तो कोई इंग्लिश हो या जो भाषा सेकेंड लैंग्वेज में पढ़ी जा रही है उसको छोड़ कर कोई मॉडर्न लैंग्वेज किस में आ जाए, थर्ड भाषा में आ जाए, ठीक। जैसे कि मैं अपने बारे में कहूँ, अगर मैं जो हूँ यूपी में हूँ, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई मेरी मातृभाषा, मेरी सेकेंड लैंग्वेज मैं मान के चलता हूँ कि मैंने लिया हिंद इंग्लिश, ठीक, फर्स्ट लैंग्वेज मेरी हिंदी हो गई मेरी मातृभाषा, सेकेंड लैंग्वेज मैंने इंग्लिश से लिया, तो थर्ड लैंग्वेज जो मेरा होगा वो कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, से कि मुझे मन है मैं मराठी पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरा थर्ड लैंग्वेज क्या हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। वहीं अगर मैंने सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश की जगह मराठी दिया होता तो मेरा थर्ड लैंग्वेज या तो इंग्लिश होता या मराठी के अलावा कोई और भारतीय भाषा होगी जो कि आधुनिक हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप NCF के बारे में पढ़ लेते हैं तो आपको जो है पेडागोजी संबंधित अनेक प्रश्नों के करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। थैंक यू, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।